लोकसभा सीट पर जैसे जैसे मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है, सियासी उफान लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजन लगातार पुलिस पर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। वहीं देर रात पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस के बाहर उन्होंने धरना दिया। प्रहलाद गुंजन का आरोप है कि कोटा पुलिस लगातार निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रही है। उन्होंने आईजी पर भी पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया है। प्रहलाद गुंजन का कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत राजस्थान के डीजी से की है, चुनाव आयोग से भी पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अब गुंजन का कहना है कि मतदाताओं को ऐसे धमकाया जाएगा तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। गुंजन ने निर्दोष कार्यकर्ताओं को रिहा करने सहित पुलिस की कार्रवाई को रोकने की मांग की। प्रहलाद गुंजन का धरना देर रात 2 बजे खत्म हुआ। वहीं हमारे संवाददाता ने प्रहलाद गुंजन से खास बातचीत की है। कह रहे थे कि वो धरने पर बैठेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं अपने समर्थकों के साथ, और उनका आरोप है कि लगातार जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इससे उनको जो है प्रचार में भी परेशानी हो रही है। अब जो है यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, और यहाँ पर क्योंकि अब देर रात हो चुकी है, ऐसे में प्रहलाद गुंजन ने यहाँ पर जो है एसपी ऑफिस के बाहर जो है धरना दे दिया है। क्या इनका आरोप है और क्यों ये धरने पर बैठे हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। जी जी प्रहलाद जी, धरना 15 दिन से मैं इलेक्शन कमीशन से लेके डीजी से लेके तमाम लोगों को लगातार कह रहा हूं, आईजी कोटा, लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी दत्ता भय का वातावरण बना रहे हैं, सारे थाने उनके निर्देश पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। चुन चुन के पहले इक्के दुक्के लोगों को पकड़कर भय बैठा रहे थे, अब मेरी सभाओं में इन्होंने हजारों लोगों को लिस्टेड कर लिया। कल रात तो इन्होंने तांडव मचा दिया, 1000 से ज्यादा घरों पर पुलिस की छापेमारी। मैं फोन सुन सुन के दुखी हो गया, मेरा सिर फटने की नौबत आ गई, या तो मैं भिड़ जाऊं जो ये चाहते हैं, चुनाव ही नहीं लड़ूं। 40 लोगों को जेल भेज दिया, खून करेंगे लोकतंत्र का। बिरला जी, अमित शाह जी, लोकतंत्र तुम्हारी देन नहीं है, भारत को लाखों लोगों के बलिदान पर डेमोक्रेसी मिली है, और इस लोकतंत्र ने भारत को नेहरू, लोहिया, पटेल, अटल आडवाणी जैसे दिग्गज नेता दिए हैं, आप उसका खून करोगे भैया, कत्ल करोगे, छिका लगा दोगे, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी छीन लोगे। वो अपनी मनमर्जी का निर्णय कर ही नहीं पाएगा, लोकतंत्र उसके विश्वास पे टिका हुआ है, तुम उसके विश्वास का खून करोगे, मेरा खून कर दो, मैं लोकतंत्र का खून होते हुए देख नहीं सकता। आईजी एजेंट, चलाओ मेरे सीने पे गोली, मैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी शहादत देने के लिए तैयार हूं। देंगे ये सरकार भजन लाल की और मोदी शाह की सरकार, उनके बच्चे रो रहे हैं घरों पर, चूल्हे नहीं जले, आके कहे कल उनको बिना शर्त छोड़े और एक कार्यकर्ता को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा तो ही कोई बात बनेगी, नहीं तो ठीक है चला देंगे, ताकतवर सरकार है, गोलियां चला देगी। कल 10 बजे तक हूँ, फिर वापस आऊंगा, कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप से बात कर रहे हैं, सबसे चर्चा करके जो निर्णय होगा वो करेंगे। प्रहलाद गुंजन जो है आधी रात में एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। जिस तरह से अब पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, एडिशनल एसपी जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आधी रात हो रही है और आधी रात में इस तरह से जो है यहाँ पर एक तरह से जो माहौल हो गया है वो थोड़ा सा तनाव जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। प्रहलाद गुंजन ने कहा है कि जब तक जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, और जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, उनका जो आरोप है कि इंटेंशनली जो कार्रवाई की जा रही है उसको रोका नहीं जाता, तब तक ये उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज जो सुबह एक यात्रा निकालेंगे घटोत्कच चौराहे से एसपी ऑफिस तक, और उसके बाद वापस यहीं पर धरने पर बैठेंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।